इस प्रोग्राम के सीन्स में कुछ कल्चरल न्यूडिटी है, व्यूवर समझ से काम लें। मैं बड़ी शान से बताता हूं कि मैं हूं मिसिसिपियन। सच्चाई ये है कि ये जगह मुझे बहुत अपनी सी लगती है, यहां की जमीन की वजह से नहीं, लोगों की वजह से। हम जिस तरह बात करते हैं, जो खाते हैं। थैंक यू वेरी मच। एक दूसरे को जिस तरह ट्रीट करते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि यहां रहने वाले हर एक से मैं अग्री करता हूं। ये स्टेट कभी डिवाइडेड थी, इट वॉज अस एंड देम। जिम क्रो भले काफी पीछे छूट गए हों, मगर स्टेट आज भी सेपरेट है, डिवाइडेड है, कल्चरली पॉलिटिकली। लगता है जैसे पूरी कंट्री या कहें पूरी दुनिया पोलराइज हो रही हो दो सेपरेट कैंप्स में, जो एक दूसरे से डिसएग्री करते हैं, एक दूसरे से बात तक मुश्किल से करते हैं। क्या ये ट्राइबलिज्म बस एक पार्ट है ह्यूमन नेचर का, या हम उस गैप को दूर कर सकते हैं जो अस को देम से सेपरेट करता है? डिविजन से नफरत कैसे पैदा होती है? कोई मुझसे नफरत कैसे कर सकता है जबकि वो मुझे जानता तक नहीं? आखिर नफरत जानलेवा कैसे हो सकती है? मैस किलिंग, एक बार में हजारों लोगों की मौत। और क्या हम यूनिटी का कोई रास्ता ढूंढ सकते हैं? डिस्ट्रक्टिव चीजें करने में सालों बिताने के बाद मैं इसे ठीक करने की कोशिश करना चाहती हूँ। हमारी हिस्ट्री का असली सबक है कि सर्कल को एक्सपैंड करें जिसमें सब शामिल हो सके, स्टोरी ऑफ अस एंड देम। मैं निकला हूं एक सफर पर, उन धागों को ढूंढने जो जोड़ते हैं हमें और हमारे अंदर की साझी इंसानियत को। ये है स्टोरी ऑफ अस। बहुत से तरीके हैं जिनसे हम खुद को अस और देम में डिवाइड करते हैं, नेशनैलिटी, रिलीजन, जेंडर के नाम पर या किसी खास टीम के नाम पर। इनमें से कुछ डिविजन्स हार्मलेस हैं, लेकिन दूसरी ह्यूमन नेचर की डार्क साइड को उजागर करती है। डिविजन्स जो कभी लगता था हिस्ट्री की बात हो गई हैं, वो आज भी हमारे बीच है। सच कहें तो वो पहले से भी कहीं ज्यादा है। मैं समझना चाहता हूं कैसे, इसलिए मैं जा रहा हूं मैरीलैंड मिलने म्यूजिशियन डेरिल डेविस से। उन्होंने अपनी जिंदगी नफरत भरी खाई को भरने में लगा दी है। Yeah, man. Thank you. कमाल का म्यूजिक सुनाया है, थैंक यू। ये लोगों को जोड़ता है सर। आपके तो यहां बहुत से इंटरेस्टिंग फैंस हैं। सच में? कैसे कैसे? वेल यू नो, फोर्थ ग्रेड में मैं पूरे स्कूल में दो ब्लैक स्टूडेंट्स में से एक था। तो हुआ ये कि मेरे सारे फ्रेंड्स वाइट थे। मेरे फ्रेंड्स में से ज्यादातर लड़के कब स्काउट्स के मेंबर्स थे। उन्होंने मुझे भी ज्वाइन करने को कहा और मैंने ज्वाइन कर लिया। स्काउट डे पर हमारा एक मार्च निकला लेक्सिंगटन से कॉनकॉर्ड तक पॉल रिवियर की राइड को सेलिब्रेट करने के लिए, और उस मार्च में मैं अकेला ब्लैक स्काउट था। तो परेड रूट में एक जगह एक छोटा सा ग्रुप था वाइट स्पेक्टेटर्स का, दो बच्चे थे, दो एडल्ट्स, और अचानक से मुझ पर बॉटल्स और सोडा पॉप कैंस और पत्थर और सड़क का कचरा फेंका जाने लगा व्हाइट स्पेक्टेटर्स के उसी ग्रुप की तरफ से। तो शुरू में तो मुझे लगा कि ओह, उन लोगों को स्काउट्स पसंद नहीं आए। फिर जब मैं घर पहुंचा तो मेरी मॉम और डैड, जो मार्च देखने नहीं गए थे, उन्होंने मुझसे पूछा, तुम गिर कैसे गए और ये मिट्टी कैसे लगी? मैंने कहा मैं गिरा नहीं था। फिर मैंने उन्हें जो हुआ था वो सब बताया। मेरी लाइफ में पहली बार मेरे पेरेंट्स ने मुझे बैठा कर ये समझाया कि रेसिज्म किसे कहते हैं।
मुझे वाकई लगा कि वो झूठ बोल रहे हैं। मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ। मैं ये समझ ही नहीं पा रहा था कि जिसने मुझे कभी देखा नहीं वो मुझे तकलीफ क्यों देना चाहेगा, ऐसा क्यों करेगा, सिर्फ मेरी स्किन के कलर की वजह से। ये बात समझ से परे थी। तब मेरे दिमाग में एक सवाल पैदा हुआ और वो सवाल था कि बिना मुझे जाने आप मुझसे नफरत कैसे कर सकते हैं। तो अपनी अडल्ट लाइफ में मुझे लगा कि जवाब उसी से मिल सकता है जिसने ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की हुई हो जिसका मकसद ही उनसे नफरत करना हो, जो उन जैसे नहीं दिखते और जो उनके यकीन में यकीन नहीं करते। तो मैंने कु क्लक्स क्लैन के मेंबर्स की तलाश करनी शुरू कर दी। ओके, आपको कैसे पता चला कि ये लोग कहाँ मिलेंगे? नहीं, उन्हें ढूंढना मुश्किल नहीं था। क्या कहा, मुश्किल नहीं था? वो मास्क लगाते हैं, हुड्स लगाते नहीं, हैं और... नहीं, लेकिन उनकी जब पब्लिक पार्क में रैली होती है तो उन्हें परमिट के लिए अप्लाई करना होता है। अच्छा, तो वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन बन जाती है। तो मैं वहां से उनके नाम नंबर लेकर कॉल करके मिलने के बारे में बस पूछ ही सकता था। कितने लोगों ने क्रेजी कहा था आपको? हर किसी ने। ये काफी क्रेजी ही था, क्योंकि यू नो व्हाट, अगर ऐसे में मैं लोगों के दिल बदल सकता हूं तो सबको क्रेजी होने की जरूरत है। कैसे पता चलता है कि किसी खास तरह के बिलीव्स वाले किसी आदमी ने वो खास बिलीव्स छोड़ दिए हैं? आप बताएंगे सर? जब कोई क्लैंसमैन या क्लैंसवुमन वो पहनावा छोड़ती है तो मतलब उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी छोड़ दी है। फिर वो अपनी रोब और हुड अपने एनिमी यानी ब्लैक मैन को दे देते हैं। अच्छा, तो आपके साथ किया उन्होंने ऐसा? हाँ, मेरे पास कुछ रोब्स और हुड्स हैं। कमाल है। ये देखिए, ये दो क्लैन रोब्स हैं मेरे कलेक्शन में, ऐसे और भी हैं मेरे पास। ये क्लैन रोब ग्रैंड ड्रैगन रोब बॉब व्हाइट के रॉबर्ट व्हाइट नाम के आदमी के थे और उसे 4 साल की जेल हुई थी एक सिनेगॉग में बॉम्ब लगाने की साजिश के लिए। फिर वो 3 साल के लिए दोबारा जेल गया था शॉटगन से ब्लैक मैन के मर्डर के इरादे के जुर्म में। आगे चलकर वो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स में से एक बन गया। दिन में वो होता था बाल्टीमोर सिटी पुलिस ऑफिसर अंडर द कलर ऑफ द लॉ। ये जो जेंटलमैन आपके पीछे हैं, नहीं मजाक में जेंटलमैन कह दिया। चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं। ऑलराइट, जिंदगी जीने का ये तरीका कैसे बन गया? वेल, क्योंकि हम सबका कोई ना कोई बिलीफ तो होता ही है, हमें उस कल्चर को चेंज करना होगा, उन्हें वो चीजें दिखानी होंगी जिसमें वो यकीन कर सकें, यू नो, वो कुछ बन सकें बिना इस पर यकीन किए कि मुझे अपने आसपास इस सबकी जरूरत है। रेसिस्ट सोच इतनी जमी हुई है कि मेरे लिए ये यकीन करना मुश्किल है कि वो कभी बदल भी सकते हैं। इसलिए मैं डेरिल के साथ मेम्फिस जा रहा हूं उनके एक्स के फ्रेंड्स में से एक से मिलने। पहुंच गए स्कॉट शेफर्ड, कैसे हो दोस्त? गुड टू सी यू। मेरे फ्रेंड मॉर्गन स्कॉट शेफर्ड, मिलकर अच्छा लगा। स्कॉट, पहले मैं ये जानना चाहता हूं आप कैसे जुड़े थे कु क्लक्स क्लैन के साथ? मैं मिसिसिपी डेल्टा से हूं तो मेरे आसपास क्लैंस की कमी नहीं थी। मेरे अंदर जरा भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, तो मैं जैसे उनकी तरफ खींचता चला गया उनकी कुछ रिक्रूटमेंट की तरकीबों से जो वो ऐसे यंगस्टर्स को साथ मिलाने के लिए यूज करते थे जो परेशान थे, जैसे बड़ी सिटीज में गैंग्स होते हैं। जैसे ही मैंने उन्हें ज्वाइन किया और वहाँ पर मैंने ओथ ली, तभी से मैं खुद को इम्पोर्टेंट जैसा फील करने लगा। कितने साल इन्वॉल्व रहे आप? तकरीबन 20 साल। आपको लगता है आपकी जिंदगी का वो दौर जरिया था अटैच होने का? कहिए क्या कहेंगे? हाँ, ठिकाना मिलने का। जी हाँ। अ मीनिंग? मैं बड़ी डिसफंक्शनल फैमिली में पला बढ़ा था। मेरे फादर एल्कोहलिक थे, बहुत ही गुस्से वाले थे वो, लेकिन इसके लिए मैं उन्हें ब्लेम नहीं कर सकता। मैंने जो फैसले लिए उनकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। क्लैन एकदम रूल से बंधे होते हैं कि नो देम, नो ब्लैक्स, नो होमोसेक्सुअल्स, नो ज्यूस। क्या कभी ये ख्याल आया कि ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है? मेरे अंदर हमेशा एक लड़ाई चलती रही खुद से, क्योंकि मुझे पाला था एक ब्लैक लेडी ने। साउथ में तो हम में से कई ऐसे ही पले हैं।
रबेका ने मेरी मदर, मेरे ब्रदर, मेरी सिस्टर, हम सबको पाला था और फिर मैंने खुद को उनसे दूर कर लिया था। तो मेरे अंदर बराबर एक लड़ाई चलती थी ये जानते हुए कि मैं ठीक नहीं कर रहा था। तो क्यों अलग हुए के से? एक रात मैं एक रेस्टोरेंट में डिनर करके निकला तो पुलिस ने मुझे रोक लिया। मैं सोवरेटी टेस्ट में फेल हो गया। उसके बाद मैं कोर्ट सिस्टम में उलझ गया और जब मैं अल्कोहल और ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर में गया तो वहाँ मुझे हर कलर के लोग मिले, हर रिलीजन के, सेक्सुअल प्रेफरेंसेस वाले लोग, मतलब वहाँ पर मुझे हर तरह के लोग मिले और उनसे मेरी पहचान हुई, उठना बैठना हुआ, एक दूसरे से हर तरह की इंटीमेट बातचीत हुई अपनी ज़िंदगी के बारे में, और इस तरह मेरे बदलने की शुरुआत हो चुकी थी। डैरल से कैसे मिले? मैं बड़ी उलझन में था और यह समझने की कोशिश कर रहा था कि मेरी जिंदगी आखिर है क्या। मुझे जरूरत थी गाइडेंस की। मैंने इन्हें अपना फोन नंबर भेजा और कहा, श्योर, यू नो, मुझे खुशी होगी आपसे बात करके। मैं डैरिल के बारे में सुन चुका था, देख चुका था कि वो क्या करते हैं। मैं इन्हें बता चुका हूं कि मुझे उनका स्क्रू थोड़ा ढीला लगा था। यू नो, मेरा फर्ज भी था, वो किसी को ढूंढ रहे थे जिस पर ट्रस्ट कर सकें। तो आखिर मैं ऐसे किसी को इनकार कैसे करता जो मुझ पर ट्रस्ट करना चाहता हो, कुछ डिफरेंट ढूंढ रहा हो। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि अगर आप अपने वर्स्ट एनिमी के साथ बैठें 5 मिनट के लिए तो आपको उसमें कुछ कॉमन जरूर मिलेगा, और अगर आप उनके साथ 10 मिनट के लिए बैठें तो आपको उनमें और कॉमन चीज़ें मिलेंगी, और उस रिलेशनशिप में कॉमनैलिटीज ढूंढते जाएं तो एक तरह की फ्रेंडशिप पैदा हो जाएगी, और फिर आप में जो चीज़ें फ़र्क करती हैं, मामूली सी चीज़ें जैसे स्किन कलर, इनकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। मुझे डैरिल पर पूरा पूरा भरोसा होने लगा। मुझे लगता था इनकी बातों में बहुत दम है। पीछे मुड़कर उसे देखते हैं तो क्या सोचते हैं उसके बारे में? एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर उनके बारे में क्या सोचते हैं? नफरत होती है उनसे। मेरे से जो बन पड़ेगा वो करूंगा इस कंट्री में रेशियल बैरियर्स को दूर करने के लिए, क्योंकि ये आज भी एक खतरा बने हुए हैं। हम बिहेवियर को तो लेजिस्लेट कर सकते हैं, पर किसी की सोच को लेजिस्लेट नहीं कर सकते। हमने ब्लैक्स का बस में बैठना लेजिस्लेट किया था रोजा पार्क्स बस बायकॉट के बाद, पर उससे सोच नहीं बदली जो वक्त के साथ ग्रास रूट्स कॉन्वर्जेशन से आई थी। थैंक यू, मैं आपके साथ हूं। स्कॉट, वेलकम होम। मुझे अच्छा लगा, खुशी है कि मैं लौट आया। सफर काफी लंबा था। डैरिल डेविस ने साबित किया है कि जब आप किसी के सामने अपना दिल खोलते हैं तो आप उन्हें अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो आपको अपने दिल का हाल सुनाए, और एक खुला दिल ही खुला दिमाग होता है। हम में से और लोग हिम्मत के साथ उन लोगों को जाने जो हमसे नफरत करते हैं, तो मेरा मानना है कि हम उस गैप को दूर कर सकते हैं जो अस एंड देम के बीच है। लेकिन आज अपने आसपास देखें तो उम्मीद रखना भी मुश्किल मालूम होता है। एक नई जनरेशन हेट ग्रुप्स को ज्वाइन कर रही है, जिन्हें अब हुड्स और रोब्स के पीछे छुपने की जरूरत भी महसूस नहीं होती, और दुनिया भर में ऐसे लीडर्स पावर में आ रहे हैं जो यूनिटी की नहीं डिवीजन की बात करते हैं। हिस्ट्री पर एक नजर डालने से ही हमें वो हॉरर दिख जाएगा जिसकी तरफ हम शायद बढ़ रहे हैं। मैं आया हूं बोस्निया एंड हर्जेगोविना की कैपिटल सरायेवो, वो सिटी जहां 3 अलग अलग कल्चर्स कई जेनरेशन से साथ साथ रहते आए हैं। यहां ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन सर्ब्स हैं, कैथोलिक क्रोएट्स हैं और मुस्लिम्स हैं, लेकिन 1992 में इनके बीच वो शांति कायम नहीं रह पाई। यूरोपियन कम्युनिटी के तमाम पीस एफर्ट्स के बावजूद नए आजाद हुए बोस्निया हर्जेगोविना में चारों तरफ सिविल वॉर्स और एथनिक वायलेंस फैली हुई है।
50 साल तक बोस्निया कम्युनिस्ट स्टेट यूगोस्लाविया का हिस्सा रहा, लेकिन अर्ली 1990s में यूगोस्लाविया 5 सेपरेट स्टेट्स में बंट गया। सर्बिया के लीडर स्लोबोडान मिलोसविच ने ब्रेकअप को बोस्निया से टेरिटरी कैप्चर करने की अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। मिलोसविच ने अपने स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया की मदद से एंटी मुस्लिम और एंटी क्रोएट प्रोपेगेंडा फैलाकर बोस्निया में रहने वाले सब्स को अपने ही नेबर से लड़ने को उकसाया। उसके बाद छिड़ी लड़ाई में 1,00,000 लोगों की जानें गईं। मॉर्गन, मैं मिल रहा हूं सेनाद हाजफेसविच से। आइए ऊपर आ जाइए। ये प्रोमिनेंट मुस्लिम टीवी जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने उस लड़ाई को झेला है। यहां का नजारा लाजवाब है। यहां से मुझे शायद दर्जन भर मीनारें तो दिख रही होंगी। यूरोपियन सिटी के हिसाब से ये अजीब नहीं है। ऑटोमन एम्पायर ने सरायेवो की बुनियाद डाली थी 15 सेंचुरी में। ओके। यहाँ 100 से ज्यादा मॉस्क्स हैं, लेकिन इसके अलावा 7 कैथोलिक चर्चेज, 4 ऑर्थोडॉक्स चर्चेज और 4 सिनोगॉग्स भी हैं। Dobro večer, streljački rat u gradu। तो आप ब्रॉडकास्ट कर रहे थे 1992 में और आपने प्रिडिक्ट किया था कि लड़ाई होगी, कैसे जाना आपने? मैंने यूगोस्लाविया रिपब्लिक के हर प्रेसिडेंट का इंटरव्यू किया था, तो जानता हर कोई था, पर कहा सबसे पहले मैंने ही था। लड़ाई छिड़ चुकी है, लड़ाई मासूमों के खिलाफ, लड़ाई हमारे बच्चों के खिलाफ, लड़ाई हम सब के खिलाफ। 3 दिन के बाद अप्रैल 5 को लड़ाई शुरू हो गई सरायेवो में। हम सोए हुए थे, सिटीजन्स, मीडिया, पॉलिटिशियंस सब सो रहे थे जब वॉर स्टार्ट हुई। आपका मतलब रातों रात सर्बियन टैंक्स वगैरह उतर आए सड़कों पर? शुरुआती ग्रेनेड्स उस पोजीशन से चले, ग्रेनेड्स, स्नाइपर्स सीधे अटैक कर रहे थे सिटी पर। सरायेवो चारों तरफ फ्रंट लाइन से घिरा था। हम घिरे बैठे रहे 4 साल तक। मिलोसविक की बैकिंग वाली बोस्नियन सब आर्मी को उम्मीद थी कि सरायेवो के एथनिक ग्रुप्स बंट जाएंगे, लेकिन घेरे में कैद सिटीजन्स एक दूसरे को फ्रेंड्स और नेबर्स की नजर से ही देखते रहे। उनकी एथनिसिटी चाहे जो भी थी, सेनाद ने अपने टेलीविजन शो के जरिए एंश्योर किया कि इस यूनिटी की आवाज गूंजती रहे। सरायेवो में आज सर्ब फैमिलीज मुस्लिम घरों में रह रही है, मुस्लिम क्रोट मुस्लिम सर्ब घरों में, तो क्रोट मुस्लिम और सर्ब एक दूसरे के यहाँ रह रहे हैं। हम सब साथ थे, एकजुट थे, सर्बियन, तमाम क्रोएशियन, सरायेवो के ज्यूइश, सभी बोस्नियन या मुस्लिम्स एक साथ थे। सेनाद का स्टूडियो फोन जब ऑन एयर लाइव बजा, तब भी उन्होंने लड़ाई खत्म करने की कोशिश की। बोस्नियन सब्स के लीडर ने मुझे प्रोग्राम में लाइव फोन किया, तो मैंने उनसे कहा मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। आप हैं लीडर सर्बियंस के, क्या आप गन्स थामे तमाम सर्बियंस से सरायेवो पर गोलियां चलाना बंद करने को कह सकते हैं? तो वो बोले ओके। तो उसके बाद मैंने कहा प्रोग्राम में लाइव, बोस्निया एंड हर्जेगोविना के प्रेसिडेंट, क्या आप हमें फोन कर सकते हैं? और उन्होंने फोन किया, तो मैंने उनसे पूछा क्या आप अपने गन्स थामे तमाम बोस्नियन को गोलियां चलाना बंद करने को कह सकते हैं? वो बोले ओके। इसके बाद 2 दिन पीस रही। कुछ ने उसे कहा सेनेट पीस। क्या बात है, 2 दिन तक हमारे यहां रही पीस। लेकिन ये पीस ज्यादा देर नहीं टिकी। सरायेवो के बाहर स्लोबोडान मिलोसविच की बांटने वाली बयानबाजी बोस्निया को तार तार कर रही थी। एथनिक क्लेंजिंग शुरू हो गई और जल्दी ही जेनोसाइड की दहशत देखने में आई। किसी कंट्री के अस एंड डेम में बंट जाने पर कैसी तबाही मचती है, उसे दिखाने के लिए सेनाद मुझे बोस्निया के कंट्री साइड में ले जा रहे हैं। यहीं स्रेबिनिट्ज़ेन नाम के टाउन में एथनिक ग्रुप्स के बीच हुई लड़ाई कई जनरेशंस तक याद रहने वाली है। आज यहां दफन है कम से कम 8,000 मुस्लिम फादर्स एंड सन्स।
ये वो थे जो जुलाई 1995 में मारे गए थे। वो सब सिविलियंस थे, सेनाद और उनके बेटे फेजा की तरह। आज आपके साथ यहाँ आया हूँ सर्बेनिका, ये है मेरा बेटा फेजा। हाय मॉर्गन, आपसे मिलकर खुशी हुई। फेजा, वेलकम। आखिर इस जगह पर हुआ क्या था? सर मॉर्गन, यहाँ जो हुआ था दरअसल एक जेनोसाइड था। सर्बिया का बॉर्डर पास ही है। हाँ हाँ, बहुत बहुत पास है। वो लोग यहाँ आए, उन्होंने सब लोगों को मार दिया और वो चाहते थे इस जगह को बिल्कुल अलग कर दें बॉस्निया की टेरिटरी से और मिला दें सर्बिया। सर्बिया, या सर्बियन आर्मी ने सभी औरतों, आदमियों, बच्चों को वहाँ उस फैक्ट्री में इकट्ठा कर दिया वहाँ पर, और इसके बाद उन्हें सेपरेट कर दिया। आदमियों और लड़कों को वो लोग अलग करके ऊपर इन माउंटेन्स पे ले गए और उन्हें शूट कर दिया। फिर वहाँ से शुरुआत हुई इस मैस किलिंग की। हजारों लोगों को एक साथ और मास ग्रेवियार। जल्दी ही नेटो बॉम्बिंग की मदद से लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सर्बेनिट्सा के विक्टिम्स को बचाया नहीं जा सका। तो आप 5-6 साल के होंगे जब ये? मैं उस वक्त 6 साल का था और मेरी उम्र के बहुत से लड़के मारे गए थे जो यहाँ पर रहते थे, और मुझे तो अब तक यकीन नहीं होता कि आखिर लोग कैसे ऐसा बर्ताव कर सकते हैं सिर्फ अपने बिलीव्स के चलते, और वो क्यों नहीं देख पाए इस ह्यूमैनिटी को। मेरी नज़र में अनइमेजिनेबल है कि लोग कैसे अपने एथनिक क्लेंजिंग के लिए इस तरह का बर्ताव करते हैं। यहाँ पूरी की पूरी फैमिलीज खत्म कर दी गई थी। सर्बियन नेशनलिस्ट्स उस आइडिया को ही खत्म कर देना चाहते थे जिसमें बॉस्निया एथनिक ग्रुप्स का मेल्टिंग पॉइंट हो सकता था, लेकिन वो बिलीफ आज भी जिंदा है सेनाद और उनके बेटे फेजा में। ये एक फ्लावर है सेबनीसा का, ये रिप्रेजेंट करता है उन मदर्स को जो अपने बच्चे के कॉफिन के चारों तरफ बैठी हैं। तो ये टॉप से स्कार्फ्स बांधी माएं हैं कॉफिन, या ये जो देख रहे हैं ये आप उनके हैंड्स को देख रहे हैं कॉफिन के ऊपर। मैं यहाँ दरअसल पहली बार आ रहा हूँ तो ये मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है सहना। मैं हर बार रो पड़ता हूँ। मैं तो अंदाजा भी नहीं लगा सकता जिसे आपने झेला है और खुद को उससे बाहर निकाला है। आपको इसके साथ जीना पड़ता है। हाँ। मगर साथ ही आप इसे भुला भी नहीं सकते। हाँ, एक पॉइंट पर आप माफ कर सकते हैं मगर भुला नहीं सकते। आपको एक दूसरे को माफ करना होगा, भूल तो सकते ही नहीं। या। लेकिन भूले तो ये फिर से होगा। बोस्निया की दिल दहला देने वाली स्टोरी ह्यूमैनिटी की डार्क साइड दिखाती है, जो किसी दौर में एक कॉमन यूगोस्लाव आइडेंटिटी शेयर करते थे वो सब अपने नेबर्स को अपनी प्रॉब्लम्स की वजह मानने लगे क्योंकि वो अपने अंदर की ह्यूमैनिटी को नहीं देख पाए थे। मगर उम्मीद बची है यहाँ जो दहशत मची उसके बीच भी। यहाँ सेना जैसे लोग हैं उन्हें अपनी बोस्नियन मुस्लिम आइडेंटिटी पर नाज है। वो खुद को ग्लोबल सिटीजन मानते हैं। वो खुश हैं सर्ब्स, क्रोएट्स, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के साथ रहकर, और उस बिलीफ को प्रमोट करने के लिए मीडिया में अपनी आवाज उठा रहे हैं। आज दुनिया को इस जैसी ही आवाज की जरूरत है, आवाज जो हमें इंस्पायर करे कॉमन ह्यूमैनिटी में बिलीव करने के लिए। पलट कर देखें तो बोस्नियन वॉर आज एक टर्निंग पॉइंट जैसी दिखती है, एक ब्लैक लैश की शुरुआत जो कल्चर्स और इकोनॉमीज की उस ग्लोबल मर्जिंग के खिलाफ था जिसने वर्ल्ड वॉर टू से ही दबदबा कायम किया हुआ था। पूरे यूरोप, मिडिल ईस्ट और अमेरिका में नेशनलिज्म जोरों पर है। हमें हमारी कंट्री वापस मिली है। क्या हम इस सिर फिरे ट्राइबलिज्म से बच सकते हैं? ये पता लगाने के लिए मैं जा रहा हूं मैनहैटन, उस शख्स से बात करने
जिसे नेशनल और ग्लोबल पॉलिटिक्स की गजब की समझ है। ये हैं अमेरिका के 42nd प्रेसिडेंट विलियम जेफरसन क्लिंटन। एक पॉइंट पर ऐसा लगा था जैसे दुनिया एक तरह से नजदीक आ रही है, साथ आ रही है। दूसरी तरफ आज ये एक तरह के ट्राइबलिज्म की तरफ बढ़ रही है। What's gonna happen? पता नहीं। It depends. In general, हम इस तरह के ट्राइबल नेशनलिज्म का दौर महसूस कर रहे हैं जो आपको पूरी दुनिया में दिखता है। लोग कहते हैं मैं ये सब चेंजेस बर्दाश्त नहीं कर सका। ये चीज समझी जा सकती है। एक सो कॉल्ड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाना उतना आसान तो नहीं होगा। डोमिनेंट ग्रुप्स, चाहे एथनिक हों, रेशियल हों, रिलीजियस हों या इकोनॉमिक हों, दुनिया को जीरो सम गेम्स में ही देखा करते हैं। मतलब सोचते हैं अगर किसी को ज्यादा मिलता है तो मुझे जरूर कम मिल रहा होगा, और कोई भी अपनी बात से हटने को तैयार नहीं होता। ऑब्वियसली हमारी हिस्ट्री का असली लेसन है, जब आप सर्कल ऑफ अपॉर्चुनिटी को एक्सपैंड करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन होता है, सिर्फ एडिशन नहीं होता, और जब श्रिंक करते हैं तो सब्सट्रैक्शन ही नहीं मिलता, डिविजन भी मिलता है, और एंड में काफी कुछ बिगड़ चुका होता है। फॉर्मर प्रेसिडेंट क्लिंटन यूरोप का एग्जाम्पल देते हैं, वो कॉन्टिनेंट जिसे कट्टर दुश्मनी ने तबाह कर दिया था, जिसकी वजह से दो वर्ल्ड वॉर्स हुई, लेकिन वो आज प्रॉस्परस यूनाइटेड इकोनॉमी है। पुराने दुश्मनों ने डिविजन को पीठ दिखाते हुए यूनिटी को अपनाया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मोटो ई प्लूरिबस ऊनम का मतलब है आउट ऑफ मैनी वन। वन नेशन जो बना है स्टेट्स के एक डाइवर्स कलेक्शन से, और आज कई अमेरिकन्स अपनी कंट्रीज की एथनिक डाइवर्सिटी पर नाज करते हैं। आज हम शायद इस धरती की द मोस्ट डाइवर्स कम्युनिटी हैं, मैं तो कहूंगा कम से कम उन लोगों के लिए जो खुद को अमेरिकन्स कहते हैं। आई बिलीव इसने हमें कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। ये इंटरव्यू हम न्यूयॉर्क सिटी मैनहट्टन में कर रहे हैं, लेकिन क्वींस आज मोस्ट डाइवर्स अर्बन सेंटर है, 25 लाख से ज्यादा लोगों वाला। देखिए, कई अमेरिकन काउंटीज हैं जहां बहुत सी कंट्रीज के लोग हैं, बट एज यू नो बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन माइग्रेंट्स के आने से डरे हुए हैं। क्यों, वैसे ऐसा हमेशा से रहा है? नहीं हमेशा, मगर इससे हम रुके कभी नहीं। नहीं, अभी तक नहीं। हम कायम हैं और फल फूल रहे हैं, बिकॉज हर उस क्रिटिकल जंक्चर पर, हर बार जब हम पीछे हो सकते थे, हमने आगे बढ़ने का रास्ता बनाया है। अमेरिका के बाहर देखें तो आपको लगता है कि कभी पूरी दुनिया साथ आएगी? बिल्कुल, बट आई थिंक हमें ये स्टेप्स में करना होगा। लोगों को चाहिए पर्सनल एक्सपीरियंस विद द अदर्स, ताकि स्टोरी ऑफ अस में सभी इंक्लूड हो सके, सभी। और ऐसा बार बार होने की जरूरत है, ये कोई बहुत आसान नहीं होने वाला है। मार्टिन लूथर किंग के वर्ड्स हैं, हिस्ट्री का आर्क लंबा है पर ये जस्टिस की तरफ झुकता है, और झुकता है टुवर्ड्स ग्रोथ, इंक्लूजन, इंटेलिजेंस। ये कांटों भरा रास्ता है हमेशा से ही, और हम सबका ये पहचानने का तरीका बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है कि हु वी आर, हु इज वी, हु इज अस, हु इज देम। यही सबसे पुराना सवाल है ह्यूमन सोसाइटी का। प्रेसिडेंट क्लिंटन के वर्ड्स मेरे दिमाग में गूंज रहे हैं, हम कौन हैं और हम कौन नहीं हैं। ये सवाल सदियों पुराने और बेहद मुश्किल हो सकते हैं, और ये सवाल सोसाइटीज खुद से पूछती हैं। लेकिन सेंट्रल अमेरिकन जंगल में बहुत अंदर रहने वाले एक ट्राइब ने शायद ट्राइबलिज्म और ग्लोबलिज्म के बीच का बैलेंस ढूंढ लिया है। इस प्रोग्राम के सीन्स में कुछ कल्चरल न्यूडिटी है, व्यूअर्स समझ से काम लें। मैं पैनमा में हूँ, और पैनमा सिटी से रिवर के रास्ते एक अलग ही दुनिया में जा रहा हूँ। मुझे एक इंडिजिनस ग्रुप के बारे में पता चला है
जिसने अस एंड देम के बीच एक अजीब सा बैलेंस डेवलप कर दिया है। एम्ब्रा उस उबड़ खाबड़ और मुश्किलों भरे इलाके में रहते हैं जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका को सेपरेट करता है। नाम है डेरियन कैप। आज मैं जिस ग्रुप से मिलने वाला हूँ वो पैनामा सिटी से 3 घंटे से भी कम की दूरी पर रहता है, मगर उनके जीने का तरीका बहुत हद तक वैसा ही है जैसा हमेशा से रहा है। हेलो, आइए। हाय, बोनादिया। बोनादिया, कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं भी। और मेरा नाम है नेल्सन। नेल्सन जी, ये नेल्सन जैसा नाम कहाँ से मिला? जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे टीचर ने मेरा ये नाम रखा था, नेल्सन, नेल्सन मंडेला पर। जी, परफेक्ट। जी जी, इंग्लिश कहाँ सीखा? यहाँ से कुछ दूरी पर सिटी के पास एक मिशनरी स्कूल है, वहाँ पर मैं 4 साल रहा था। वेरी गुड। जी मॉर्गन, ये मेरा गांव है ऊपर इस हिल पर, चलिए चलकर देखते हैं ये कैसा है। आइए देखते हैं। आइए। कितने घर हैं यहाँ? हम यहाँ पर करीब 134 लोग रहते हैं, बच्चे और बड़ों को मिलाकर। तो इस गांव में करीब 28 घर हैं और हर घर में एक फैमिली है। अच्छा अच्छा। यहाँ की लाइफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से फ्री भले दिखती हो, पर बारीकी से देखें तो कॉन्टैक्ट की निशानियां दिख जाएंगी। विलेज में ज्वेलरी और कार्विंग की फलती फूलती इंडस्ट्री है जो टूरिस्ट बोट्स के वीकली विजिट्स को केटर करती है। ये लोग काफी बिजी हैं। अभी ये यहाँ पर कार्व कर रहे हैं। जी कनू, इस तरह की लकड़ी को हम कोको बोलो कहते हैं, ये रोजवुड जैसी होती है। अच्छा, एम्ब्रा के लिए रेगुलर टूरिस्ट बिजनेस ये दिखाता है कि उनके कल्चर को दूसरे सम्मान देते हैं और ये सहेजने लायक है। ये रेवेन्यू का सोर्स भी है जिससे ये थोड़ा बहुत वेस्टर्न सामान खरीदते हैं जो उनकी लाइफ को और आसान बनाता है। आपके पास कुछ खास मॉडर्न कन्वीनियंसेस नहीं है, मगर ये 200 हॉर्स पावर आउटबोर्ड इंजन जरूर है। जी, पुराने टाइम में हम वो यूज करते थे, जैसे हम कहते हैं पलांका। अच्छा। बहाव के साथ उससे रिवर में उल्टे जाने में मुश्किल आती होगी। जी, और अब हमारे पास मोटर है और इससे ज्यादा आसान हो गया। ऑफ कोर्स। दूसरी तरफ कई दूसरे इंडिजिनस कल्चर से उलट सेंट्रल और साउथ अमेरिका में एम्ब्रा ने वेस्टर्न क्लोथिंग नहीं अपनाई है। उनका लॉयन क्लॉथ ऐसे माहौल के लिए न सिर्फ परफेक्ट है बल्कि उनकी पहचान का एक हिस्सा भी है। मैंने नेल्सन से किसी विलेज एल्डर से मिलाने को कहा जिससे समझ सकूं कि एम्ब्रा ने 2 वर्ड्स के बीच रहना मैनेज कैसे किया है। ऑलराइट, तो उधर एक बड़ी सिटी है जो रिवर के रास्ते ज्यादा दूर नहीं है, जहां कार्स हैं, बड़े मोटेल्स, ऊंची बिल्डिंग्स, पक्की सड़कें हैं, तो आप वहां क्यों नहीं जाना चाहते? एम्ब्रा लोगों की खास चीजों में से एक है कि एम्ब्रा के लोग जंगल में रहना पसंद करते हैं, एक फैमिली की तरह मिलकर रहना, क्योंकि हम लोग जंगल में काम कर सकते हैं, वहां से खाना ला सकते हैं और यहाँ सब जंगल से प्यार करते हैं। वो कौन से ट्रेडिशंस हैं जो आपने संभाल कर रखे हैं जो हमें सिटी में नहीं दिखाई देते? उनमें से एक ये है पेंट। हम इसे बहुत पहले से यूज कर रहे हैं। ये एक फ्रूट है जिसे हम कहते हैं हागवा, जिससे यहाँ पर ये टैटू बना है और साथ ही ये मस्कीटो नेट का सन ब्लॉक के लिए और बालों को अच्छा रखने का काम भी कर सकता है। हम ये इंक बच्चों पर यूज़ करते हैं जिससे बच्चे सेफ रहते हैं यहाँ पर तरह तरह के कीड़े मकौड़ों से। That's fantastic, really. कमाल की बात ये लगी मुझे कि हर कल्चर में, खासकर आपके कल्चर में, आपके पास है नॉलेज कि कौन कौन सा प्लांट किस किस काम आता है। उनके लिए जंगल ही उनका भगवान है, मतलब यहाँ पर हर चीज मिलती है। ये वो कल्चर है जिसे भरोसा है कि जंगल से सब मिल जाएगा।
दवाएं भी बुखार जैसी बीमारियों के लिए, जैसे कि हुआ है इस बच्ची को। एम्ब्रा वेस्टर्न मेडिसिन को रिजेक्ट नहीं करते। जब लोग सीरियसली इंजर्ड होते हैं तो ये उन्हें पैनामा सिटी के हॉस्पिटल में ले जाते हैं, लेकिन ज्यादातर बीमारियों के लिए एम्ब्रा वही करते हैं जो वो जेनरेशन से करते आ रहे हैं। वो हीलिंग स्पिरिट्स को बुलाते हैं और हीलिंग प्लांट से दवाइयां बनाते हैं। अच्छा है। नॉट बैड, नॉट बैड। अमेरिका एंड डेम के बीच ये मेल ही है जो एम्ब्रा के लिए सदियों से काम कर रहा है। बाहरी दुनिया से वो अपनी जरूरत की चीज तो ले लेते हैं, लेकिन जिंदगी जीने के अपने ट्रेडिशनल तरीके को खुशी खुशी सहेजते हैं। एम्ब्रा अपने आसपास की कुदरती दुनिया से पूरी तरह जुड़े हुए हैं, फॉरेस्ट से, रिवर से। सदियों से जंगल के बीच रहने की वजह से उनमें एक गहरा स्पिरिचुअल कनेक्शन पैदा हो गया है, इसीलिए वो आज भी यहां हैं, फल फूल रहे हैं, मॉडर्न वर्ल्ड के धीरे धीरे पास आते जाने के बावजूद। हमारा मॉडर्न वर्ल्ड तमाम तरह की ट्राइब्स का एक मोज़ेक है, जिसमें हर एक के अपने कस्टम्स और बिलीफ सिस्टम्स हैं। कई जगह ये ट्राइब्स कंधे से कंधा मिलाकर रहते हैं। हमारे सामने चैलेंज है कि उन्हें कैसे एक्सेप्ट किया जाए जो हमारे जैसे नहीं है। मैं आया हूं लॉस एंजलिस उनसे मिलने जिन्होंने इस चैलेंज से सीधी टक्कर ली है। मेगन फेल्प्स रोपर वेस्ट बोरो बैप्टिस्ट चर्च में पैदा हुई थी, यानी वो रिलीजियस कल्ट जो बाइबल की अपनी नफरत भरी इंटरप्रिटेशंस के लिए बदनाम है। फंडामेंटलिस्ट कैंसस चर्च के मेंबर्स का मानना है कि इराक और अफगानिस्तान में अमेरिकन डेथ्स होमोसेक्सुअलिटी पर नेशन की टॉलरेंस की सजा है। मेगन इन बांटने वाले बिलीव्स के बीच पली बड़ी थी। वेस्ट बोरो बैप्टिस्ट चर्च आया कहां से है? इसे मेरे ग्रैंडफादर ने 1955 में शुरू किया था। गॉड हेट्स फैग, तौबा नहीं करोगे तो तुम ऐसे ही खत्म हो जाओगे और गॉड के पास हेल में जगह की कोई कमी नहीं है। आपके ग्रैंडफादर ने शुरू किया था ये मूवमेंट, राइट? सो हमें लगा कि ये हमारी ड्यूटी है कि जाकर लोगों को वार्न करें, उन्हें पाप करते देखें तो उन्हें डांट लगाएं, जिससे वो हेल के रास्ते पर बढ़ने से बाज आ जाएं। हम जो कह रहे थे उसके खिलाफ कोई सामने आता था तो हमें लगता था वो गॉड के कहे के खिलाफ बोल रहा है, तो हमने मिलकर प्रोटेस्ट करना शुरू किया चर्चेज और गवर्नमेंट के खिलाफ। हमें लगा लड़ाई में अमेरिका के लोगों को मार कर गॉड उसे पनिश कर रहा है। हमें लगा हमें उन फ्यूनरल्स में जाकर उन फैमिलीज को बताना होगा कि ये एक श्राप है, गॉड ने तुम्हें श्राप दिया है क्योंकि तुम उस नेशन के लिए लड़ रहे हो जिसने गॉड को अपना नंबर वन एनिमी बना लिया है। क्योंकि ऑफ कोर्स हमारा मानना था कि सभी आउटसाइडर्स ईविल या दिमाग भटकाने वाले थे। एंड सो द मेगन, जरा एक मिनट रुकना। आपके चर्च में करीब 80 लोग थे और आपको लगता था 80 लोग सही थे और शायद 7 अरब लोग गलत थे, राइट? इस प्रोग्राम के सीन्स में कुछ कल्चरल न्यूरिटी है, व्यूअर्स समझ से काम लें। मेगन फेल्प्स रोपर वेस्ट बोरो बैप्टिस्ट चर्च की नफरत भरी आइडियोलॉजी के सबसे कट्टर हिमायतियों में से एक थी। वो अपने दिन डिवीजन के नारे लगाने, अपने कल्ट से बाहर के लोगों को हेल में जाने की बद्दुआ देने में बिताती थी। मैं ये शर्ट पहनती थी जो लोगों को पसंद थी। आप तमाम जगह जाया करती थी, तख्तियां वगैरह पकड़कर खड़ी रहती थी। हाँ, हम हर रोज टोपीका में प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन पूरी कंट्री में ट्रैवल भी करते थे। हमारा मानना था कि नेशन ऐसी लाइफस्टाइल प्रमोट कर रहा है जिसे गॉड ने नापाक कहा है। God decides who God loves, not you.
और मुझे लगा कि आई वॉज डूइंग गुड, मुझे लगा मैं वो कर रही थी जो गॉड चाहते थे। तो आप ट्विटर पर भी अपना राइट मैसेज भेजती और चर्च की बातें फैलाती थी। राइट, सो 2009 में मैंने चर्च की तरफ से ट्वीट करना शुरू किया। मुझे लगा कि ऐसे लोगों की तादाद बढ़ रही है जिन्हें मैं प्रीच कर सकती हूँ। मैंने जिन पर अटैक किया उन शुरू के लोगों में से एक आदमी था डेविड एबट बोल, जो जुलिशस नाम से एक ब्लॉग चलाता था। मैं उसे ये समझाने के तरीके ढूंढ रही थी कि वो गलत है, कि जीसस को रिजेक्ट करना उसे हमेशा हमेशा के लिए हेल तक पहुंचा देगा। पहले तो उसने जैसे सरकाज़म और गुस्से और बेरुखी से रिस्पॉन्ड किया, लेकिन जल्दी ही उसने अपने टैक्टिक्स बदल ली थी। उसने मुझसे वेस्टब्रो के पिकेट साइंस के बारे में सवाल करने शुरू कर दिए और मैंने शुरू कर दिए उससे सवाल करने जोश थियोलॉजी के बारे में। सो इस पूरे कॉन्वर्सेशन में मैं उसकी उसके फ्रेंड्स के साथ इंटरैक्शंस और जेरूसलम में उसकी लाइफ के फोटोज देख रही थी जहां वो रहता था। फिर मैं उसे एक ह्यूमन की तरह समझने और देखने लगी, एक इंसान की तरह जिसकी अच्छी इंटेंशंस थी, जो वो करने की कोशिश कर रहा था, जो उसे सही लगता था। वो कॉन्वर्सेशन कहीं ज्यादा हो गए फ्रेंडली। और फिर उसने मुझसे एक सवाल किया जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। क्या सवाल था वो? वो मुझसे हमारे पिकेट साइंस में से एक के बारे में पूछते हुए बोला, डेथ पेनल्टी फॉर फैग्स, और ये ये आया है रोमन्स 132 से, ये प्रिस्क्राइब्ड पेनल्टी है। तो डेविड ने कहा, क्या जीसस ने नहीं कहा जिसने कोई पाप न किया हो वो पहला पत्थर मारे? तो मैंने कहा, हम पत्थर नहीं मार रहे हैं, हम वर्ड्स प्रीच कर रहे हैं। तो वो बोला, हाँ लेकिन आप एडवोकेट कर रही हैं कि गवर्नमेंट पत्थर मार रही है। एंड आई वॉज लाइक, मैं उस पॉइंट पर शॉक्ड थी क्योंकि मैंने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया था कि अगर आप किसी को मारते हैं तो आप रिपेंट करने और माफ़ी पाने का मौका पूरी तरह कट कर देते हैं। हम इसी की वकालत कर रहे थे, हम लोगों से यही करने को कह रहे थे। तो वक्त बीतता गया और ऐसी सिचुएशंस आती गई जिनका उन सब कॉन्ट्रडिक्शंस का वजन वक्त के साथ बहुत बढ़ गया था। इससे आप चर्च छोड़ने को तैयार हो गईं, इसने आपको सोचने पर मजबूर किया। Exactly, मैंने वो साइन पकड़ने बंद कर दिए। लेकिन पहली बार मेरे दिमाग में आया कि चर्च भी तो किसी चीज को लेकर गलत हो सकता है। उसके साथ बने रहना बहुत ज्यादा टेरिफाइंग था और छोड़ना कम टेरिफाइंग हो गया। तो अब आप उलझन में थी। राइट, आधे मन से आप उसमें थी, आधे से बाहर। जिस दिन मैंने पहली बार उसे छोड़ने का सोचा था वो दिन बहुत बेचैनी भरा और बहुत दर्दनाक था। आई मीन जस्ट इमेजिन, जिन्हें आप प्यार करते हैं, जिनकी केयर करते हैं, उन्हें छोड़कर ऐसी दुनिया में जाना जो ऐसे लोगों से भरी हो जो आपसे उन सब चीज़ों की वजह से नफरत करते हैं जो आप उन्हें हर्ट करने के लिए करते रहे। तो बहुत सी चीज़ें थी जैसे हमारी फैमिली रेसिपीज और फोटोज और होम मूवीज और हमारी लाइफ आपकी लाइफ तो ये इन सबको कलेक्ट करने की एक कोशिश थी, जैसे मैं हर चीज से दूर हो जाऊंगी और इट वाज लाइक मैं कहां जाऊंगी, मेरी पहचान क्या होगी? जैसे मेरी पहचान क्या होगी। और ये बहुत ही अजीब था, बहुत ही डराने वाला था। जाने के कुछ ही दिन बाद मैं एक्चुअली डेविड से मिले और उसने मुझे बताया इस आइडिया जुडेज़म के इस कॉन्सेप्ट के बारे में कि दुनिया में जितने भी दुख देने वाली चीज़ों को देखो उन्हें अपने तरीके से दूर करने की कोशिश करो। और उसने कहा, तुमने और तुम्हारी फैमिली ने दुनिया में दुख को बढ़ाया है तो उसे दूर करने के लिए तुम जो भी कर सकती हो वो करो। डिस्ट्रक्टिव कामों को करने में बिताए इतने सालों के बाद मैं उन्हें पलट नहीं सकती लेकिन ठीक करने की कोशिश कर सकती हूँ। मेगन ने अपने लाइफ लॉन्ग माइंडसेट को पूरी तरह बदल दिया। वो बताती हैं, उनमें आए बदलाव के पीछे अहम हाथ था दुश्मनी ना रखने और डेविड एबिट पॉल जैसे लोगों से बातचीत करने का। लोगों का मेरी तरफ इतना काइंड और अंडरस्टैंडिंग और कंपैशनेट होना उसके उलट था, जिस पर आउटसाइडर्स के बारे में मुझे यकीन करना सिखाया गया था। वो शैतान तो नहीं लगते थे
जैसा कि मुझे बताया गया था वो थे। Like, कोई जब आपके पास मन में दुश्मनी भर कर आता है तो क्या होता है? आप में भी दुश्मनी पैदा होती है? Kindness powerful होती है। And I think ये और ज़्यादा powerful होती है hostility, aggression या किसी भी चीज से। हमारे लिए ये सीखना बहुत जरूरी है कि कैसे पार पाया जाए इन इंटेंस डिवाइड से। आई थिंक हम ये कर सकते And हैं। I think आपकी स्टोरी इसमें बहुत हेल्प करेगी, क्या ख्याल है? I hope so. आज ऐसी न्यूज स्टोरीज बहुत ज्यादा सुनाई देती हैं जो हमें डिवाइडेड फील कराती हैं हमारे डिफरेंट पॉलिटिकल और रिलीजियस बिलीफ्स की वजह से। सोशल मीडिया पर न्यूज शेयर करने की हमारी मजबूरी इन इश्यूज को और बड़ा करती मालूम देती है। लेकिन मेगन की स्टोरी उम्मीद जगाने वाली है। यह दिखाती है कि हम सोशल मीडिया की पावर अच्छाई के लिए यूज कर सकते हैं और ये जेंटल और पेशेंट कॉन्वर्सेशन का एक मीडियम हो सकता है और ये हमारी मदद कर सकता है शेयर्ड ह्यूमैनिटी को ढूंढने में। इस सफर ने मुझे दिखाया है कि अस एंड देम में डिवाइड करना कितना डेंजरस हो सकता है। लेकिन मैं जिन लोगों से मिला हूं वो मेरे अंदर उम्मीद जगाते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये डिवाइड्स यूनाइट नहीं किया जा सकते। हम वो स्पीशीज हैं जो मिलकर काम करने की वजह से फली फूली हैं। मेरे चारों तरफ देख लीजिए, बिल्डिंग्स जो आसमान छूती हैं, कंधे से कंधा मिलाकर जीती एक डाइवर्स पॉपुलेशन और नई टेक्नोलॉजीज जो पल भर में हमें कनेक्ट करने में हेल्प करती हैं। इन सब के पीछे वही तो है, कोऑपरेशन। जरूरत है ह्यूमिलिटी और अंडरस्टैंडिंग की, हमारे डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट और टाइम की। लेकिन मुझे लगता है गुंजाइश है हर एक के लिए इन द स्टोरी ऑफ अस।